हाँ मैं सही थी, ये पॉपकॉर्न सच में अच्छे हैं। वो कहाँ है, वो कहाँ है? शायद उस तकिए के नीचे। तुम क्या कर रहे हो? ये तकिए मुझ पर फेंकना बंद करो। आपके पैरों के नीचे देख लेती हूँ। कुछ नहीं हुआ, मैंने हर जगह देख लिया। तुम्हें क्या हुआ है? मेरा एक इयररिंग गुम गया और मुझे मिल नहीं रहा। हाँ खैर, ये ली उसकी तरह लग रही है। बस एक मिनट, मैं अभी तुम्हें ठीक करके देती हूँ। 3D पेन एक और बार मदद करने आ रहा है। ये रंग बहुत अच्छा है और देखो कितना चमकदार भी। अब दूसरी साइड। असली लीफ को ट्रेस करना और मजेदार है। हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं। और ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। अब वेविंग बनाने के लिए हुक अटैच करते हैं। बढ़िया, अब एक और। ये पहनने के लिए तैयार है। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। लो, बढ़िया। मैंने ट्राई करूं, कैसे लग रहे हैं? बढ़िया है ये। हे भगवान, मुझे बहुत पसंद आए। ये बिल्कुल असली लीव्स की तरह लग रहे हैं। बहुत सुंदर। खैर तो चलो, अब तुम और परेशान नहीं होगी। आखिरकार बर्तन साफ हुए। ओ नहीं, एक और मांग। इसे भी साफ कर दो प्लीज। हाँ ठीक है, मग इतना गंदा कैसे हो जाता है? ये क्या, मेरा हाथ। ओह नहीं, क्या ये टूट गया? वो शुक्र है बच गया। नहीं, उनका फेवरेट मग टूट गया, वो मुझे मार डालेंगी। रुको, शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मुझे ग्लू भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास मेरा 3D पेन है। मैं क्रैक को कवर करूंगी। ये कलर एक ही है तो ये नजर भी नहीं आएगा। और मैं इसे पूरे हैंडल पर करूंगी, एकदम कोने पर। इसे ज्यादा चाहिए भी नहीं। हो गया, एक तरफ से हो गया। अब दूसरी तरफ। मैं यहाँ भी ऐसे ही करूंगी। ये साइड भी हो गई, पूरा हुआ। अब ऊपर और नीचे से भी कर देते हैं। हैंडल एक मग का सबसे जरूरी हिस्सा है तो इसे अच्छे से सिक्योर करना जरूरी है। हो गया, और हैंडल जुड़ भी गया। ओह ये लो तुम्हारे लिए जूस। हाँ, लगता है तुमने हैंडल को टेक्सचर दिया है। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। खैर इसे अब पकड़ना आसान है। जूस के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, ये काम किया। कितना मजेदार डांस है। ओह बेल बजी है, मैं देखकर आती हूँ। अरे नहीं, कितना बढ़िया चल रहा था। देखो एक पैकेज आया है। ये मेरे नए क्रॉक्स हैं। कितने सुंदर हैं, मुझे बहुत पसंद आए। वाह, मुझे चलन हो रही है। मेरे वाले तो एकदम बोरिंग है। हे, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। मैंने एक प्यारा सा फ्लावर बनाया और अब मैं अपना 3D पेन लूंगी। दो पेटल्स हो गए, अब बाकी। मुझे पैक एंड फोल्ड पैटर्न पसंद है। हो गया, अब मैं बीच में येलो फिल करूंगी। हाँ कितना प्यारा बन गया। अब एक स्ट्रॉबेरी। मैं इसे पहले ब्लैक से आउटलाइन करूंगी। ये अच्छी लग रही है। अब ग्रीन टॉप। हाँ बिल्कुल, बेरी के लिए रेड। ये बहुत खूबसूरत होगा। बन गया। अब एक स्टार। मुझे इसके लिए टेम्पलेट भी नहीं चाहिए, मैं इसे ऐसे ही बना सकती हूँ। और येलो से लगेगा कि ये बहुत तेज चमक रहा है। हो गया, अब शूज की बारी। मैं स्टार यहाँ रखूंगी और अब बाकी चीजें। हाँ ये बहुत अच्छी बन गई। चलो इन्हें ट्राई करें। हे भगवान, मुझे बहुत पसंद आए। तुमने बहुत अच्छा किया केट। खैर ये लो, तुम भी ले सकती हो। हाँ शुक्रिया। तुम्हें कुछ और कूल देखना है? देखो मैंने और क्या बनाया। वो बिल्कुल ऊपर लग जाते हैं और फिर एकदम नए जैसे लगते हैं। मैंने इसे 3D पेन से ट्रेस किया था। कितना कूल है। ओह हाँ डांस। अब हम अपने नए शूज शो ऑफ कर सकते हैं। आपके और आपके क्लासमेट का टेस्ट सेम हो सकता है, पर उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर मिलते हैं।
हेमिंग्वे इंटरेस्टिंग है। क्या? मैंने ये तो नहीं डाला था, मैं चेयर भी नहीं करती। रुको, क्या वो मेरा बैकपैक है? इससे मुझे बहुत बढ़िया आइडिया आया। हाँ, एक नाम लिखें और उसे अपने ग्लू पेन से आउटलाइन करें। मैंने बबल लेटर स्टाइल चूज किया और आप रंग भी चुन सकते हैं। हिडन स्पॉट्स ना भूलें, जैसे ई में। और अब रंग भरें। ग्लू को अलग अलग डायरेक्शंस में लगाएं ताकि लेटर साफ दिखें, या फिर हर स्ट्रोक को अच्छे से दें। आउटलाइन बनाएं और एक चेन। चलो देखें अब कौन गलत बैग उठाता है। हाँ, ये मेरा नाम नहीं है। मैडिसन, गलत बैग ले लिया। हाँ, नेम टैग ने बचा लिया। ओह, मैं जीत रही हूँ। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, इससे मुझे नींद आ रही है। ओह हाँ, इंटरेस्टिंग। ओह, ये क्या है? ये कैट तो नहीं थे। मेडिसिन के ग्लासेस, हो वो मुझे मार डालेगी। ओ, ये मेरा बट। लेकिन ये पेन सब ठीक कर देगा। पहले लेंस को इसे आउटलाइन करें और कोने कोने पर करते जाएं जब तक ये पूरा ना हो जाए। अब सही लग रहा है, अब आपको बस इसे कनेक्ट करना है। और अब ईयर पीसेस, और हो गया। मुझ पर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आराम से, बच गई। ये तुम्हारा ही साइज है। क्या मैं ग्लासेस लगा कर ही सो गई थी? हे भगवान। हाँ, ये अजीब है। हमने कर दिखाया। सूरज अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या पढ़ रही हो? ओह, ये तो कुछ फैंसी लग रहा है। किसी के दिमाग में जूस चल रहे हैं। अब आता हूँ। हे, सुनो, ऐसा कुछ तुम्हारे पास है? आपकी किस्मत अच्छी है सर, ये कैसा लग रहा है? ओह, मैं ये तो नहीं खरीद सकता। ये और भी ज्यादा महंगा है। तो ये कैसा है? अरे यार, रुको, मदद करो, मैं क्या करूं? हाँ, एक मार्कर ले, ग्लू पेन से एक अच्छा डिजाइन बनाए। बनाते रहे और इसे चारों तरफ लगाए। सूखने के बाद इसे निकाले। वाह, क्या एक हाथ चुनो। ये वाला ठीक है, ये वाला। टडा, क्या ये मेरे लिए है? ये कितनी अनोखी है। एक असली ड्रिंक और ये मेरी है। अब मैं ये और नहीं पढ़ूंगी, मुझे बहुत पसंद आई। अब मैं क्लास के लिए तैयार हूँ। अब बुक्स कहाँ है? आहा, मुझे ये कुछ ज्यादा ही चाहिए। मैं और क्या भूल रही हूँ? मेरे पैंट्स कहाँ है? मैंने नहीं ये कहीं रखे थे। हे भगवान, इसे वापस करो, बुरे चूहे। मुझे ये सच में चाहिए, ठीक है? यकीन नहीं होता। हे, एक और चिपकन, ये काम आएगी। साइड्स पर हॉट ग्लू लगाएं इस तरह, फिर ज़िगज़ैग करें। अब कैन को उल्टा करें और निचले किनारे पर ग्लू लगाएं। बीच के हिस्से को मत भूलना। एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाएं। हो गया। अब इसे सीधा करें और कैन को बाहर निकालें। टॉप और बॉटम को लगाएं।
और जिपर लगाएं। किसी को पेंसिल केस चाहिए। वाह, मैं सच में बहुत क्रिएटिव हूँ। लेट नहीं होना। वो ये बहुत बड़ा मॉनिटर है और ये बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, और इसमें कुछ कॉर्ड्स भी हैं। ओह, बहुत सारी कॉर्ड्स। इतनी सारी क्यों है? शायद ये पीछे लगेगी और ये वाली यहाँ और फिर ये वाली। ओह, बहुत काम था। अब हर जगह कॉर्ड्स हैं। मैंने कितनी प्यारी रिंग्स बनाई। ओह वाह, वो तो फंसी पड़ी है। यहाँ बहुत कॉर्ड्स हैं। हाँ, हे, हम इसे ठीक करने के लिए 3D पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ कॉर्ड लगाऊंगी और फिर पेंसिल ड्रॉ करूंगी। देखा, इसने उसे टिका दिया। टाडा! और अब ये कलरफुल भी है। अब मैं इसमें प्लग कर दूं। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो देखें, क्या वो सो ही रही है। वो हिली, मुझे इसे लेके यहाँ से निकलना चाहिए। बाल बाल बचे। हे, देखो, मैं उनका मेकअप बाद में आई। नहीं, हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गुस्सा होंगी। तो बहुत बेवकूफ हो। अब वो मुसीबत में पड़ने वाली है। अरे वाह, क्या लिपस्टिक है। हे भगवान, क्या ये उनके सिजर्स है? मैं अपने बालों को थोड़ा ट्रिम कर सकती हूँ। बैंग बहुत अच्छी लगेंगी। बस इन्हें सीधा सीधा काटना है। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। अब क्या? ओह, तो ये हुआ है। हे, 3D पेन, ये इसे ठीक कर देगा। इस तरह शेप बनाओ। अब इसे फिल कर दो, बिल्कुल इसी तरह। हो गया, तो अब इसे उल्टा करो। अब एक डॉट यहाँ डालते हैं और इन्हें जोड़ देते हैं। हो गया। अब अगला स्टेप, थोड़ी ब्लू डॉट्स डालें, बस ज्यादा ना हो। ठीक है, लगता है हो गया। देखो मैंने क्या बनाया। ये लो, मैं लगाती हूँ। देखा, ये तुम्हारी बैंग्स पर लगेंगी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अहम, मेरा मेकअप बैग किसने लिया? इसने, मैंने नहीं। यह वक्त बहुत मुश्किल है, पर शायद मैं समझ गई। वाह, मुझे गर्व है। इस बैग में सेफ रहेगा, अंदर पानी भी नहीं जाएगा। और अब बैग पैक में चलो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आह, मेरा मास्टरपीस। वो देख कर चलो दोस्त। हे भगवान, मेरा पेपर, इतना बड़ा निशान आ गया। वो रो रही है। देखो, क्या तुम सोच सकती हो ऐसे कौन रोता है। हे दोस्त, ये मदद करेगा। आह, शुक्रिया। रखो, पर मैं इससे क्या करूं? समझ गई। इसे सीधा करने के लिए हेयर स्ट्रेटनर इस्तेमाल करें। देखा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत अच्छा है। नीना, क्लास अब पहले जैसी नहीं रही जब से हमारे पास स्मार्टफोन आए हैं। जरा टीचर से पूछो। हाँ, फोन को बॉक्स में रखने का समय, मुझे इसे छिपाना होगा। तुम पढ़ भी रही हो? मैं जीतने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ूं?
अगर तुम्हें फोन इस्तेमाल करना है तो तुम्हें बहुत तेज होना होगा और जवाब यही है। अपने फोन को उल्टा रखें और हॉट ग्लू से एक लाइन बनाएं, बिल्कुल नीचे तक जाएं और इस पर एक कलर पेंसिल लगा दें। परफेक्ट, अब बहुत सारी लगाएं। बहुत कूल लग रहा है ना? और अब जब मैं सेल्फीज लूंगी तो मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, बस कलर पेंसिल्स यूज कर रही हूँ। कितना बेवकूफ है, ये हैक बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा सोडा पीने से आपके पेट में दर्द हो सकता है, तुम्हें ये चाहिए क्योंकि मैं और नहीं पी सकती। वैसे थोड़ा मजा करना चाहती हो, चलो अपने फ्लिपिंग स्किल्स पर काम करें। तो चलो फ्लिप, तुम समझ गए या नहीं? अब देखो, अब ये देखना, देखो कैसा जा रहा है। ओ नहीं, पिगी बैंक, और वो गया। ये बहुत बुरा हुआ, मुझे नहीं लगा था ये होगा। मार्स में बहुत महीनों से गाड़ी के लिए सेव कर रही है। घबराओ मत, मेरे पास एक आइडिया है और हमें यही चाहिए। सच में, खाली बोतल को आधे में काटें और लेबल हटा दें। कटे हुए कोने पर हॉट ग्लू लगाएं और बिल्कुल नीचे का हिस्सा अटैच कर दें। जब ये सूख जाए तो बीच में कट लगाएं। अब इसे गुलाबी रंग करेंगे। पिगी के कान जरूर लगाएं। बहुत प्यारा है ना? और ये आइक हास्टिक लग रहा है, मॉम को ये बहुत पसंद आएंगे। वो आ रही है गाड़ी लेने में, एक और कदम आगे, पता भी नहीं चला। एक लंबे दिन के बाद हॉट शावर से बेहतर कुछ भी नहीं। चलो इस लूफा पर साबुन लगाएं। वो ये बहुत स्लिपरी है, इधर आओ जल्दी, ये चीज तोड़ रही है। क्या तुम ठीक हो एवा? ओ नहीं, बाहर जा रहा है, माफ करना। आ रही हूँ, मैं थक गई हूँ। वो इधर वापस आओ। आखिरकार तुम अभी भी उस बॉटल में से पी रहे हो? अब ये खाली है तो चलो इसका कुछ इस्तेमाल करें। आपको एक खाली बोतल चाहिए और एक फनल। बोतल के ऊपर फनल लगाएं और अपना मनपसंद साबुन डालें। जब ये ऊपर तक भर जाए फनल को हटाएं और फिर पंप लगा दें। ये पुरानी बोतल का है, अब ये सिर्फ काम ही अच्छा नहीं करेगा बल्कि आपसे दूर भी नहीं भागेगा। एक और टचडाउन और हम जीत जाएंगे। चलो भी, हाँ मुझे पता था हम जीतेंगे। केविन, तुम इसमें कुछ ज्यादा ही नहीं डूब गए? उप्स, क्या ये मैंने किया? लगता है अब केविन को ये साफ करना पड़ेगा, है ना? ओहो, मैंने इसे पूरा तोड़ दिया, है ना? माँ तो मुझे मार ही देंगी। क्या मैं इसे बचाने के लिए कुछ कर सकता हूँ? वो, चलो केविन, कुछ अलग सोचने की कोशिश करें। क्या इस घड़ी को जोड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज है? ओह, केविन के दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं। इस हैक के लिए आपको एक रिकॉर्ड और कुछ डोमिनोज चाहिए। जिस स्टिकर में बैटरी होती है उसे निकालें और रिकॉर्ड के बीच में लगा दें। अगर आप इसे कुछ बार घुमाएंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। इस तरह का वॉशर लें और इस छेद में लगाएं। बैटरी को सिक्योर करने के लिए इस छेद में लगाएं। अब एक मेटल नट लगाएं। अब इसके ऊपर घड़ी की सुई लगाएं और दूसरी सुई के साथ भी ऐसा ही करें। अब आखिरी सुई लगाएं।
घड़ी के नंबर लिखने के लिए डोमिनोज के पीछे ग्लू लगाएं। देखा, 12 डोमिनोज 12 घंटे के हिसाब से लगेंगे, बाकी सारे नंबर्स लगाते जाएं। अब इसे दीवार पे टांग दे और आपके पास एक बिल्कुल नई घड़ी आ गई। तो ये कैसी लग रही है केविन? वाह, ये तो पहले वाली घड़ी से भी बढ़िया लग रही है। हे, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मेरा बिल्कुल नया आविष्कार देखो, बहुत ही बढ़िया है। मुझे इन सब कपड़ों को रखने के लिए जगह चाहिए। चलो अपनी अलमारी खोले। तो जाओ, इधर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। यही तरीका है इन्हें अंदर डालने का। चलो अंदर घुस जाओ। बेला, तुम्हें निकल जाना चाहिए। वो आ गए। इससे बहुत दर्द हुआ होगा और अब तुम्हारे ऊपर कपड़े आ रहे हैं। ठीक है, मुझे हक के लिए एक सिस्टम बनाना होगा और मुझे पता है क्या करना है। इस हक के लिए आपको एक लकड़ी का बड़ा स्लैब और एक डायनासोर वाला खिलौना चाहिए। एक प्लेट से टॉय को बीच से काटें। आउच, मजाक था। अब अलग कर लें और पीछे का हिस्सा अलग रख दें। हॉट ग्लू गन से डायनासोर के आगे के हिस्से के कोनों पर ग्लू लगाएं। इससे पहले ये सूख जाए, इसे लकड़ी के ऊपर लगाएं। अब आप इसके दोस्त इसके साथ लगा सकते हैं। हाँ, क्या ये प्यारे नहीं है? इन्हें अपने किसी भी कमरे में टांगे और एक रैक की तरह इस्तेमाल करें, जिसमें कपड़े, पर्स या कुछ भी टांग सकते हैं। और अगली बार से जब आपको अपनी अलमारी में जगह ना मिले तो घबराएं नहीं, आपके पास और भी जगह है, जैसे कि ये छोटे छोटे डायनासोर्स। देखा, ये कितना आसान है। और अब आपकी अलमारी परेशान भी नहीं होगी, है ना बेला?